उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की जिला कोर्ट से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कोर्ट के अंदर ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कोर्ट में हंगामा होते देख पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने वकीलों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। वकीलों पर जज से बदसलूकी का आरोप भी लगा और इस मामले की अब जांच जारी है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद की जिला कोर्ट में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम में जज और वकील के बीच किसी मामले को लेकर बहस हो गई और इसके बाद कोर्ट के अन्य वकील भी वहां पहुंच गए और हंगामा होना शुरू हो गया। हंगामा होते देख जजों ने कोर्ट में ही पुलिस को बुला लिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, पहले वकीलों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वकील पुलिस को सुनने के लिए कहां तैयार थे। इसके बाद पुलिस बलपूर्वक वकीलों को हटाने लगी और लाठीचार्ज कर दिया। फिर क्या था, वकीलों ने भी पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वकीलों के पीछे लाठियां लेकर दौड़ लगा दी। तो वहीं इस मामले में गाजियाबाद जिला कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के मुताबिक जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी लगी हुई थी। इस अर्जी को लेकर 50 से 60 लोग उनके चैम्बर में मौजूद थे। वकीलों ने जिला जज से अपील की कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की जाए, पहले इस मामले की सुनवाई कर दो, अगर जिला जज पर मुकदमों का बोझ है तो वह किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को इसका ट्रांसफर कर दे। नाहर सिंह यादव के मुताबिक इस विनती पर जज गुस्सा हो गए और अभद्र व्यवहार करते हुए पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने वकीलों पर ही बल प्रयोग किया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा वकील घायल हुए। इतना ही नहीं, वकीलों पर भी आरोप लगा है कि वकीलों ने जज पर कुर्सियां फेंकी, जिसके बाद जिला जज ने फोन करके पुलिस को बुला लिया और फिर पुलिस के लाठीचार्ज से वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ भी की। बहरहाल बताया जा रहा है कि अब नाराज वकील कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और जजों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब वकील और जजों के बीच बदसलूकी हुई हो या फिर इनके बीच ऐसी खबरें आई हों, बल्कि इससे पहले भी ये इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसी तमाम खबरें और देखने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।